Finding Funny Jokes. एक निगरो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने कहा, इतना काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। निगरो ने कुछ नहीं कहा और अपनी सीट पर मुंह फुलाकर बैठ गया। तो संता बोला, क्या हुआ भाई साहब? निगरो बोला, अरे यार कंडक्टर ने बेइज्जती कर दी। संता बोला, अरे मार साले को जाकर और ये चिंपैंजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, साला काटेगा तो नहीं ना। संता एक रोटी खुद खा रहा था और एक रोटी अपने पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। तो बंता ने पूछा, ये क्या है संता? तो संता ने बोला, अबे दिखाई नहीं देता, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। एक सास ने अपनी बहू से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर जाते टाइम पर मत्थे के ऊपर बिंदी लगा कर जाया करो। तो बहू बोली, मम्मी जी जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? तो सास ने जवाब दिया, मैंने कब कहा कि जीन्स पर लगा, माथे पर लगा बेवकूफ, माथे पर। अर्ज किया है, लिखे तो टेक्स्ट तुम्हें वो तेरी याद में, लिखे तो टेक्स्ट तुम्हें वो तेरी याद में, तुमने एक भी ना पढ़े तुम जाओ भाड़ में। अगर प्यार में पैसों की अहमियत ही ना होती तो हर कहानी में लड़की के सपनों में राजकुमार ही क्यों आता है? कभी सुना है, मेरे सपनों का मजदूर बारात लेकर कब आएगा? एक साली अपनी जीजा को मिलने गई और वहाँ बहुत बातें बना रही थी। तो जीजा बोला, क्या हम आज रात पति और पत्नी की तरह गुजार सकते हैं? साली शर्माते हुए बोली, जैसा आप चाहो। तो जीजा बोला, ठीक है अब अपना मुंह बंद कर और चुपचाप सो जा। कभी भी किसी लड़की के पीछे हाथ धोकर ना पड़े, कभी भी किसी लड़की के पीछे हाथ धोकर ना पड़े, अगर पढ़ना ही है तो मुंह धोकर पड़े, शायद कृपा वहीं रुकी हुई है। अगर पटाखे और फुलझड़ी का नाम सुनकर, अगर पटाखे और फुलझड़ी का नाम सुनकर तुम्हें लड़कियों का ख्याल आता है तो मेरे भाई तुम बड़े होकर जरूर बेरोजगार बनोगे। आज अपने पापा के साथ बाइक पर जा रहा था, गलती से मुंह से निकल गया, देख भाई क्या माल जा रहा है। उसके बाद मैंने पापा से बोला कि पापा घर में कूट लेना, मार्केट में मेरी थोड़ी इज्जत है, पर पापा ने वहीं पर कूट दिया। भिखारी ने एक लड़की से बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी। तो लड़की ने कहा, कुछ नहीं है बाबा। भिखारी बोला, चलो फिर अपना मोबाइल नंबर ही दे दो। लड़की और लड़के में हुई बातचीत इस प्रकार है। लड़की बोली, मुझे क्या देख रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है? बॉय बोला, है इसलिए तो देख रहा हूँ। तो लड़की ने कहा, क्यों? लड़के ने कहा, मेरी बहन को भाभी चाहिए ना। एक ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार रहें। टीटू, वाह तो जिसने टिकट लिया है वो बेवकूफ है। एक पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा बताओ जान कहाँ से निकलती है? तो बेटा बोला, पापा खिड़की से। तो पिताजी ने पूछा, वो कैसे? तो बेटा बोला, कल रात को दीदी एक लड़के को कह रही थी, जान खिड़की से निकल जाओ। एक माँ ने अपने बेटे को बोला, किसका फोन आया था? तो बेटा बोला, एक दोस्त का था माँ। तो माँ बोली, ना लायक ना मर्द, एक लड़की नहीं पटा सका अभी तक, कसम से यार ये बात चप्पल से भी ज्यादा तेज लगी। संता ने बंता से पूछा, ये पड़ोस में क्या चल रहा है? बंता ने जवाब दिया, बर्थडे है। संता बोला, किसका? तो बंता ने कहा, टू यू का। संता ने पूछा, ये टू यू कौन है भाई? बंता बोला, पता नहीं यार, सुनाई तो कुछ ऐसा ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बच्चा हर रोज अपने मैथ्स टीचर को फोन लगाता था। एक बार उस टीचर की वाइफ ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है वो मर गए हैं, तुम बार बार फोन क्यों करते हो? तो बच्चा बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगता है मैडम। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? अबे ढक्कन, ये SMS है।
आवाज कहाँ से आएगी? बेटा रात को घर लेट आया। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? तो बेटा बोला, मम्मी मूवी देखने गया था। माँ ने पूछा, कौन सी? बेटा बोला, माँ की ममता। तो माँ बोली, जा बेटा ऊपर जा, एक और मूवी लगी हुई है। तो बेटे ने पूछा, माँ कौन सी? जा बाप का कहर।